हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस CPNET काउंसलिंग आफ्टर वन डे काउंसलिंग, कितनी सीटें किस किस कोर्स में बची हुई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लें एंड ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपके लिए जैसे ही वन डे की काउंसलिंग कम्प्लीट होगी, आपके लिए तुरंत एक वीडियो आएगा और उसमें मैं बताऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेस में, डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कितनी भर गई हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के होम पेज पर। अब चलेंगे CPNET 2019 के होम पेज पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले दिन की काउंसलिंग हो चुकी है, जो कि ओवरऑल रैंक 1 से लेकर 100 तक के स्टूडेंट को बुलाया गया था और इनकी काउंसलिंग 30 तारीख को ही हुई थी। पहले पंजीकरण हुआ था, प्रमाण पत्रों का सत्यापन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पंजीकरण एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में काउंसलिंग एवं प्रवेश दिया गया था 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि टोटल, ये देखिए टोटल 660 सीटें थी और 660 सीटों में कितनी सीटें 1 से 100 तक के स्टूडेंट ने फिलअप कर पाई हैं और कितनी अवेलेबल हैं आपके लिए। तो चलते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठकों में उपलब्ध सीटों के अनुसार आरक्षण विवरण। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 तारीख का है, 30 सितंबर 2000, और शाम को 6:49:27 पर ये, जिन लोगों ने फॉर्मली लॉक कर दिया है उनका पूरा शेड्यूल है। तो ये देखिए, अगर BMLT की बात करें, बैचलर ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो टोटल 6 सीटें हैं जो कि विभाजन है। ये देखिए आरक्षण के अनुसार UR के लिए इतना, OBC के लिए इतना, और SC के लिए इतना, ST के लिए इतना, और ये देखिए टोटल सीटों की बात की जाए तो टोटल 660 सीटें हैं। अब बात करते हैं BMLT की 60 सीटों में से कितनी भर गई। तो 60 सीटों में से 56 सीटें भर गई हैं। वहीं फिजियोथेरेपी BPT की बात करें तो 60 सीटों में से 58 सीटें, केवल 2 सीटें ही भर पाई हैं। और रेडियोलॉजी BRIT की बात करें तो 60 सीटों में से 57 सीटें ही, मतलब केवल 3 सीटें भर पाई हैं और 57 अवेलेबल हैं, वैकेंट हैं। ऑप्टोमेट्री की बात करें तो 60 सीटों में से 58, मतलब 2 सीटें ही भर पाई हैं। अगर हम बात करें BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग फ्रेंड सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, मैं लास्ट वीडियो में भी आपके लिए लगातार बता रहा हूँ कि 23 सीटें वैकेंट हैं केवल आउट ऑफ 60। 60 सीटों में से केवल 23 सीटें हैं वैकेंट। अगर बी फार्मा की बात करें, जो कि इस साल नया नया ही इसमें ऐड हुआ है, तो बी फार्मा की बात करें तो 52, मतलब केवल 8 सीटें भरी हैं पहले दिन की काउंसलिंग में। और इसी प्रकार GNM की बात करें, GNM में फ्रेंड्स 48, यानी 12 सीटें भर चुकी हैं, और ANM में 60 में से 48 सीटें वैकेंट हैं GNM में, और ANM में 49 सीटें वैकेंट हैं। और वहीं डिप्लोमा की बात करें तो फ्रेंड्स, अभी डिप्लोमा में एक भी सीट किसी ने नहीं ली है पहले दिन की काउंसलिंग में। टोटल, ये देखिए टोटल वैकेंट्स आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, टोटल 591 सीटें वैकेंट हैं, रिक्त हैं। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं आप कि कितनी सीटें भरी गई हैं। तो फ्रेंड्स बहुत कम सीटें भरी जा रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ भी पहले हुआ था, पहले रिजल्ट का कुछ गड़बड़ रहा, रिजल्ट 4-5 दिन बाद आया, उसके बाद दो बार मैं आपकी नई मेरिट लिस्ट पब्लिश हुई, तो ये कुछ गड़बड़ रहता है। लेकिन फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इतनी कम सीटें भरी जा रही हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा हूं। उससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वन डे की काउंसलिंग कंप्लीट होगी, आपके लिए वीडियो आएगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज एंड डिग्री कोर्सेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। तो फ्रेंड्स डिप्लोमा कोर्सेज में किसी ने भी अभी एक सीट नहीं ली है,
अभी केवल डिग्री कोर्सेज में सीट ली जा रही है, और उसमें भी बीएससी नर्सिंग में 60 सीटों में से केवल 23 सीटें बची हुई हैं, शेष भर चुकी हैं। और ये देखिए, जो सबसे अच्छा माना जा रहा था बैचलर ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, जो कि बीएमएलटी जैसे कहते हैं, टोटल 56 सीटें वैकेंट हैं, मतलब 4 सीटें ही भरी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, इस पेज का पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें कौन कौन से डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज में खाली हैं। तो फ्रेंड्स, पहले दिन की काउंसलिंग में केवल 591 सीटें रिक्त हैं पहले दिन की काउंसलिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सा डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज लेना है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।